नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि 106 पंचायत के लिए काउंसलिंग 13 को यानी कि कल से जो काउंसलिंग शुरू होने वाला है उसका अपडेट हम आपको देने वाले हैं। भेजी सूची काउंसलिंग के लिए खंड मुख्यालय बनाया गया। केंद्र DO ने NIC पे अपलोड कराने के लिए भेजी सूची। सीतामढ़ी का अपडेट हम दे रहे हैं, फिर आपको डेट 13 को शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग। कटिहार का भी अपडेट हम देंगे, किस अनुमंडल में कहाँ होगी, इन पंचायतों के लिए शिक्षा विभाग ने किया कार्यक्रम जारी। शिक्षक बहाली का काउंसलिंग 13 अगस्त को ही की जाएगी। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं कि कहाँ 13 अगस्त को काउंसलिंग होने वाला या किसका थर्ड राउंड में काउंसलिंग जाने वाला, उसका अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जिले के 16 प्रखंडों के कुल 106 पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 13 अगस्त को की जाएगी। आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर आ रही है कि सीतामढ़ी जिले के 16 प्रखंड टोटल हैं जिसमें से 106 पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई हैं जिसमें से 13 अगस्त को काउंसलिंग होगी। विभागीय आदेश के आलोक में संबंधित प्रखंड मुख्यालय में कैंप स्थल बनाया गया है। इसकी जानकारी देते हुए DO सचिंद्र कुमार ने बताया कि 13 अगस्त को काउंसलिंग के लिए आवश्यक तैयारी पूरा कर चुके पंचायत नियोजन इकाइयों की सूची NIC पर अपलोड करने के लिए जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को भेज दी गई है। यानी कि जो अधिकारी है उनको ये बता दिया गया है कि NIC पर अपना डॉक्यूमेंट जो सूची है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो अपलोड कर दीजिए। सभी प्रखंड मुख्यालय स्थित चिन्हित हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के अलावा प्रखंड मुख्यालय परिसर में काउंसलिंग केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पे होगी काउंसलिंग। अब सीतामढ़ी के कहां कहां काउंसलिंग कहां कहां होगा वो डिटेल इस वीडियो में देने वाले हैं हम। आप देख सकते हैं कि पूरा लिस्ट यहां पे आया हुआ है। सीतामढ़ी जिले में पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए प्रखंड मुख्यालय में कैंप निर्धारित किया गया है। DO द्वारा जारी सूची के अनुसार सुप्पी प्रखंड के मोहनी मंडल, कोठिया राय, भवन गामा व घरवाड़ा पंचायत नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मिडिल स्कूल ससौला बालक सुप्पी में की जाएगी। वहीं बोखड़ा प्रखंड का बुध नगरा पंचायत इकाई का काउंसलिंग KDKN कॉलेज खड़का में तथा बेलसंड के जाफरपुर पंचायत नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए प्रखंड कैंपस से बेलसंड को निर्धारित किया गया है। इसी तरह में जरगंज के 4 पंचायतों को काउंसलिंग के लिए हाई स्कूल मेजरगंज, सोनबरसा के 12 पंचायतों के लिए प्रखंड कैंपस सोनबरसा में, परिहार के 13 पंचायतों का गांधी हाई स्कूल परिहार में, बथनाहा के 4 पंचायतों का प्रखंड कैंपस बथनाहा में, चोरौत के 3 पंचायतों का मिडिल स्कूल चोरौत कन्या में, बाजापट्टी के 11 पंचायतों का RP नेपाली हाई स्कूल बाजपट्टी में, नानपुर के 13 पंचायतों का प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बहेरा जाहिदपुर में, सुरसंड के 5 पंचायत नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों का सरयू हाई स्कूल सुरसंड में काउंसलिंग की जाएगी। इसी तरह रूनी सैदपुर के पंचायत का रामदौन हाई स्कूल मोरसंड में, रीगा के 6 पंचायत का मिडिल स्कूल रीगा मिल रीगा में, पुपरी के 5 पंचायत का तिलक शाह मिडिल स्कूल पुपरी में, डुमरा के 10 पंचायत के लिए मिडिल स्कूल बरियारपुर को काउंसलिंग केंद्र बनाया गया है। इसी तरह परसौनी के 7 पंचायतों के लिए प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बलहा मुसारी को काउंसलिंग केंद्र निर्धारित किया गया है। ये सारा अपडेट हमने सीतामढ़ी को दिया। अब अपडेट हम आपको यहाँ से ले लेते हैं कटिहार का, कि कटिहार जिले का क्या क्या अपडेट आ रहा है जो कि अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो काउंसलिंग को लेकर। कटिहार जिले के 3 अनुमंडल के 9 प्रखंड के सभी पंचायतों के लिए 6ठे चरण की शिक्षक बहाली का काउंसलिंग 13 अगस्त को किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार जिले में 9 प्रखंड के सभी पंचायतों का काउंसलिंग आपको 13 अगस्त को होगा। यहां पे यानी कि 9 प्रखंड ऐसे हैं जिसका काउंसलिंग थर्ड राउंड में नहीं जाने वाला है, सेकेंड राउंड के 13 तारीख यानी कि 13 अगस्त को पूरा कर लिया जाएगा। जो अभी यहाँ पे रद्द होगा उसका भले ही थर्ड राउंड में जा सकता है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी देवबिंद कुमार सिंह ने शेड्यूल जारी किया है। यानी कि अगर आप यहाँ नहीं देखें तो NIC पे जाके देख लीजिए, शायद NIC पे इसका लिस्ट जारी कर दिया गया है।
सभी पंचायतों की काउंसलिंग एक ही तिथि को रखी गई है, यानी कि 13 अगस्त को पूरा तिथि रखी गई है जो 13 अगस्त को काउंसलिंग होगा। इस बीच जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को उनके काउंसलिंग केंद्र पर पहुंचाना होगा। डीओ देविंद कुमार ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि को 11 बजे से पहले काउंसलिंग केंद्र पर पहुंच जाना है। पंचायत यानी कि 11 बजे से पहले आपको पहुंचना होगा, 11:30 बजे आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। उससे पहले अगर आप पहुंच जाते हैं तो ठीक है, जो प्रॉब्लम होगा वो वहाँ पर लिखवा दीजिएगा ताकि उसमें सुधार हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि 11 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि नालंदा बिहार शरीफ में 11 बजे से लगभग सेंटर पर काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था, इसलिए आप 10:30 11 का वेट नहीं कीजिएगा। हो सके तो 10 बजे ही आप काउंटर पर पहुँच जाइए, काउंसलिंग केंद्र पर पहुँच जाइए, आपके लिए बेटर होगा। 11 बजे लेट मत कीजिएगा। पंचायत नियोजन इकाई का काउंसलिंग के लिए प्रखंड मुख्यालय के विद्यालय को चिन्हित किया गया है, यानी कि कटिहार जिले में जहाँ जहाँ नियोजन इकाई का काउंसलिंग होगा वहाँ वहाँ प्रखंड स्तर पर मुख्यालय जो विद्यालय होते हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। उसमें कहाँ होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, किस अनुमंडल में कहाँ होगी, तो देख लेते हैं। काउंसलिंग अनुमंडल का नाम कटिहार सदर, प्रखंड का नाम बरारी, काउंसलिंग स्थल आदर्श मध्य विद्यालय गुरु बाजरा बरारी में आपका काउंसलिंग होगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं अनुमंडल वाला। अब इन पंचायतों के लिए सिसिया, प्रखंड का नाम कोढ़ा, काउंसलिंग स्थल प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय कोढ़ा में आपका काउंसलिंग होगा। इन पंचायतों के लिए बहरखाल, बासगढ़ा, मकदमपुर, बावनगंज, बिशुनपुर एवं चंदवा, प्रखंड का नाम फलका, काउंसलिंग स्थल राजकीय बुनियादी विद्यालय फलका हाट। इन पंचायतों के लिए हथवाड़ा, सबदा, सोता उत्तरी, प्रखंड का नाम कटिहार, काउंसलिंग स्थल मध्य विद्यालय बीएमपी 7 में होगा। इन पंचायतों के लिए कटिहार अनुमंडल बरसोई, प्रखंड का नाम बरसोई, काउंसलिंग स्थल उच्च विद्यालय बरसोई। इन पंचायतों के लिए बलतर, प्रखंड का नाम आजमनगर, काउंसलिंग स्थल आदर्श मध्य विद्यालय आजमनगर। इन पंचायतों के लिए मुकरिया, के लावाड़ी, महेशपुर, मरवतपुर, अमरसिंहपुर, प्रखंड का नाम बलरामपुर, काउंसलिंग स्थल राज संपोषित उच्च विद्यालय तेलता। इन पंचायतों के लिए महिसाल एवं लोहगाड़ा, प्रखंड का नाम कदवा, काउंसलिंग स्थल कन्या मध्य विद्यालय कुम्हड़ी कदवा। इन पंचायतों के लिए धप रसिया, कुम्हड़ी, महमदपुर भर्री, परभेली, चौनी एवं तेतलिया, अनुमंडल मनिहारी, प्रखंड का नाम अहमदाबाद, काउंसलिंग स्थल आदर्श मध्य विद्यालय अहमदाबाद। इन पंचायतों के लिए भवानीपुर, खट्टी, पैदा, पारदियारा, दुर्गापुर, चौकिया पहाड़पुर, जंगलाटाल एवं लखनपुर, प्रखंड का नाम अहमदाबाद, काउंसलिंग स्थल मध्य विद्यालय जनता गोपालपुर अहमदाबाद। इन पंचायतों के लिए बैरिया, किशनपुर, पूर्वी करीरामपुर, उत्तरी करीरामपुर एवं दक्षिणी करीरामपुर में काउंसलिंग आपका होगा। तो ये दोनों जिलों का अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी कुछ जिलों का अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो आपको जरूर लेके आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।